और आपको बहुत अच्छा जवाब देता आया हूँ मैं कई चैनलों में। आज बहुत दिन बाद आप मेरे सामने अच्छा सा जवाब फिर सुनेंगे आप। भूपेंद्र जी को एक बड़ा अफसोस रहा, इन्होंने बड़े दिल से एक बात कही कि इन्होंने गुरु जी के हाथ में माला नहीं देखी। कबीर दास जी ने एक बड़ा अच्छा दोहा लिखा है, मुझे याद आ गया इनकी बात से, कि माला फेरत जग मुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो संत कोई माला का दिखावा करके बनेंगे क्या? संत कोई कपड़ों का दिखावा करके बनेंगे क्या? संत की जूती की आपने कीमत लगा ली, और जब बुल्ले शाह जी को जूती मिली थी वो जूती कितनी अनमोल थी। मैं तो कहता हूँ मेरा मुर्शिद मुझे जूती दे दे, मैं तर जाऊंगा। मुर्शिद की जूती मिल जाना अपने आप में बहुत बड़ी जिंदगी, दोनों जहाँ की दौलत है साहब। मेरी झोली में अगर मेरा मुर्शिद में अपनी जूती डाल दे तो मैं तर जाऊं। आपने जो देखना था आपने देखा, आपकी आंखों ने जो देखा था आपने देखा था, आपका बर्तन जिस लायक था उसमें उस तरह का सामान पड़ा, मेरा बर्तन जिस लायक है मैं उस तरह, और आज भी और आखिरी सांस भी तक हरकीरत जी वो मेरे मुर्शिद है, मेरे गुरु है, मेरे बाप है, और दुनिया में अगर मेरे लिए कोई सच की जगह है तो मेरे लिए वो डेरा सच्चा सौदा है जहां मैं आखिरी सांस तक सजदा करता रहा। गोरा भैया एक बात बताओ, बहुत बढ़िया बात आप कर रहे हो, सारे लोग अगर चैनल पे आके बोलने लग जाएंगे तो आप मान लोगे सब कुछ अच्छा है सच्चा है और आप अपने गुनाहों की माफी मांग लोगे? आप कान पकड़ के वहां संगत में कह दोगे कि आप झूठे थे, आप झूठ बोल रहे थे? 50 लोग, 100 लोग, 500 लोग चैनल पे आके बोलने लगेंगे तो आप अपने गुनाहों की माफी मांग लेंगे? साहब आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? मैं बोल रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं। कितने लोग बोलने चाहिए टीवी पे भैया, कितने लोग बोलेंगे तो आपको लगेगा कि ये सच्ची अच्छी बात हो गई? 500, 5000, 5 लाख, 5 करोड़, कितने लोगों को बुलवाओगे तो आप सर्टिफिकेट दोगे? कभी आपको कपड़े पे आपत्ति है, कभी माला पे आपत्ति है, कभी आपको जूते पे आपत्ति है, और आज एक नया सिग्नीफा आपने छोड़ दिया हरकीरत भाई के आगे कि सिर्फ एक आदमी बोल रहा है इसलिए झूठ है। कैसे कैसे बात आप हिंदुस्तान को समझा रहे हो? बाबूजी आपके इन तथ्यों में कोई इन बातों पर भरोसा नहीं करेगा? आप दिल पर हाथ रख के ये बताओ गोरा जी, दिल पर हाथ रख के बताओ, आपकी टिकट क्यों काट दी कांग्रेस ने? राजनीति लोगों को ठगते थे, क्यों आपने घर के बाहर वो नकली पोस्टर लगाए? 50 लाख का दे दो डेटा, दिल पे अपने 50 लाख का डेटा, ये सवाल पूरे पंजाब को दो, आपकी टिकट देकर कांग्रेस ने क्यों छीन ली? आप 50 आदमी की नुमाइंदगी नहीं कर रहे, 6 करोड़ लोगों की आंखों में उंगलियां डालने की कोशिश कर रहे हो भैया। आप पब्लिक लाइफ में जा रहे हो, किसी को बदनाम करके सार्वजनिक जीवन में नहीं जिया जाता। आपके पास मौका है, आज भी कान पकड़ के माफी मांग लो, नाक रगड़ लो, वो बक्शनहार है, आपको बख्श देंगे। आप पर आपके क्लिस्टर खोलूं क्या? आपको डीजीपी ने धक्का देकर ऑफिस से भगा दिया, आपके एसएचओ ने, आपके इलाके के एसएचओ ने आपके माँ बाप को, परिवार को थाने में बिठा के कह दिया झूठा आदमी है, ये सिक्योरिटी लेने के लिए जाता है, एक नकली आदमी है, गली में आपको 50 आदमी नहीं जानते, आप डेरा की आंख में उंगली उठाने आए हो? आपको शर्म आनी चाहिए, आपके मीडिया का हर कीरत मिस यूज कर रहे इतने बड़े बड़े चैनलों में आपके आपके संदीप जी, भूपिंदर जी, शायद हम चलिए, मेरे को लग रहा है मेरे को आपको कुछ नहीं आता, आप बैठ गए वहां पे लिपस्टिक लाली लगा के, आपको शर्म आनी चाहिए आपके बात। मुझे नहीं आता, आप नेशनल चैनल के मुझे लड़कियां की आगे आप माथे में पसीना, हालांकि आपके मुंह में जुबान चली गई है, आवाज नहीं निकल रही है ना, नकली नेता, नकली आदमी, नकली करेक्टर, पूरा पंजाब बदनाम कर दिया आपने। आप जैसे लोगों के टिकट लेके छीन ली जाती है, आपकी औकात नहीं है कहीं खड़े हो जाए गली पे, आपका एसएचओ आपको छित्तर मारेगा, आपका एसएचओ छित्तर मारेगा, आपके पूरे परिवार को उसने कहा झूठे हो, मक्का हो, भोगी हो, वैलेंटाइन डे का मतलब नहीं पता चले आरोप लगाने नेशनल चैनल पे, अरे कौन दिखा देता आपको? आप भी आप ही लेने आते हैं, फुटेज खाने आते हैं, किसी बहन बेटी की इज्जत उठा रहे हैं, वैलेंटाइन डे की स्पेलिंग नहीं आती तुम्हें? ओ जो एक बारी बोले दीजिए, बोले दीजिए संदीप जी, बोले दीजिए एक बारी, बोले दीजिए उनको बात, हम वैलेंटाइन डे के मुद्दे पर नहीं। बाप जो हनीप्रीत सिंह 2000 से 2009 से लेके डेरा मुखी के साथ साए की तरह रहती थी,
24 घंटे उसके साथ रहती थी आपके साथ और उसके साथ। चलिए इसी बात को लेकर संदीप जी, इसी बात को लेकर, इसी बात को लेकर पूरी दुनिया में संदीप, संदीप जी इसी बात को लेकर चर्चा करेंगे। संदीप जी आपकी बेटी आपके कंधे पे बैठती है, आप उससे बलात्कार करते हैं क्या? अरे बेटी हमेशा कलेजे से लगी रहती है, जो बाप है अपनी बेटी का सबसे ज्यादा लाड करता है। अरे जी आप किस तरह की बात की तरह रह गए, कुछ जमीन अपना जगह। चलिए इसी बात को लेकर चर्चा करेंगे। के पहले ऐसे नपुंसक हैं हंसराज जी, दुनिया के पहले ऐसे नपुंसक हैं जिन्होंने एक लड़की से शादी की है। दुनिया का पहला ऐसा नपुंसक है जिसने घर बसाया है। अगर ये नपुंसक हैं तो किसी बिटिया का प्राकृतिक अधिकार इन्होंने क्यों छीना? दूसरी बात, इनके ही गांव टोहाना के इनकी चाची इस बात का ढोल पीटती गांव में घूम रही है कि इनके बच्चा होने वाला है। नपुंसक शादी करता है, नपुंसक के बच्चा भी होने वाला हो जाता है। ये कैसे कैसे नपुंसक पैदा हो रहे हैं दुनिया में। दूसरी बात, इन्होंने मुझे सिखाया कि क्या बातें बोलनी और क्या नहीं बोलनी। भैया मैं आपका प्रवक्ता नहीं हूं हंसराज जी, मैं प्रवक्ता हूं डेरा सच्चा सौदा का, मैं वहां की बात करूंगा और जो भी झूठ बोलेगा मैं उस झूठ को अच्छा जवाब देने के लिए बैठा हूं, उनकी आंखें खोलने के लिए बैठा हूं, उनको सच का आईना दिखाने के लिए बैठा हूं मैं। और ये एक बात और बता दूं हरकीरत जी, अभी तक इनके माँ बाप वहां हैं, इनसे पूछ लो कि कितने लाख का सामान म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लेके ये डेरे से फरार हो गए। कई कई लाख रुपए का सामान आज जिसे ये रावण कह रहे हैं, जिस गुरुजी को उनके पैरों में बैठते थे अपना बाप कहते थे, ये ऐसे लोग हैं जो जिस थाली में खाया उसी में छेद करके फरार हो गए। कई लाख रुपए का सामान ये चुरा के फरार हो गए। और आज तक हरकिरत जी एक और बात बता दूं, इनके घर में आज भी रोटी खाने का पैसा नहीं है, हमारे डेरे के ही फूड बैंक से इनके घर में खाना जाता है तो इनके माँ बाप की रोटी चलती है। ये अपने माँ बाप के भी वफादार नहीं है, माँ बाप की भी सेवा नहीं कर रहे, तो भला किसी गुरु के क्या वफादार होंगे? देखिए जहां तक संदीप जी मिश्रा जी की बात है जी, इनको तो आप 24 घंटे बुलाते रहो, बोलते रहेंगे टीवी पे, दूसरे भी हम भी बैठे हैं तो हमें भी टाइम मिलना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, और मैं क्योंकि मिश्रा जी ने तो झूठ बोलना है और झूठ सुबह से शाम तक बोल सकते हैं, कभी न्यायालय का तारीफ करते हैं, कभी कोर्ट की तारीफ करते हैं, कभी कह देते हैं अभी कोर्ट ने गलत किया। मुझे ये नहीं समझ, किसी ने नहीं बोला कोर्ट ने गलत किया भूपेंद्र, झूठ का मुंह काला भूपेंद्र गोरा, किसी ने नहीं बोला। ये साथ हो मैंने भी पास पगड़ी पहन के आया करो, आप अच्छे लगते हो। बाबा जी वाली जैकेट पहनी हुई है आज आपने, आज आपने बाबा जी वाली जैकेट पहनी हुई है, आपको बधाई हो जो हाँ। क्योंकि वो बाबा जी 50 भूपेंद्र कैसा झूठ बोल रहा है भैया, ये कली चांदनी चौक से खरीदी मैंने भूपेंद्र, ये कल मेरा चांदनी चौक से खरीदी है भैया। झूठ की दुकान कोई मशीन हो क्या? आपके घर में कोई सच बोलने वाला इंसान नहीं है क्या भूपेंद्र? आपने जैकेट भी मेरी देख ली, कैसे लोग बिठाते हैं? सुन तो लिया करो, जिन्हें पता ही नहीं क्या बोलना, ये मेरी जैकेट देख रहे हैं, खरीद रहा हूँ कहाँ से मिल रही है? नहीं नहीं आप कैसा आदमी है भैया, दूसरे को बोलने का जैकेट पे बहस हो रही है क्या गोरा? ये जैकेट पे बहस हो रही है क्या नेशनल चैनल पे? कुछ भी बोल रहे हो, अरे दूसरे को बोलने, ये मेरी जैकेट पे बहस करने हो क्या अमेज़न पे? शर्म आती है आपको, जूते पे, जैकेट पे, पगड़ी पे, मूछो पे, दाढ़ी पे, लिपस्टिक पे, लाली पे, क्या बातें करते हो? शर्म आनी चाहिए आप जैसे गंदे आदमी को। सामान हटाने का मेरी जैकेट लेके आएगा तू? सामान हटाने का आपको मौका मिल गया, जैकेट मेरी लेके आएगा तू? आपको मौका मिल गया वहां से सामान हटाने का, मिल गया मेरे को, तेरी तरह चोर जानती है, तेरी तरह चोर हूँ क्या मैं? तेरे को सत्य ने लिखकर मारा नहीं मारा की बात आपने पूछी है, गंदा आदमी कहीं का जैकेट पे आ गया है। उनका जितने भी डॉक्टरों ने मेडिकल किया है, सरकारी डॉक्टरों ने उसका मेडिकल किया है, वो मेडिकल में बिल्कुल फिट पाई गई है और बिल्कुल बहाना है। तू बोलने इतना बड़ा झूठा आदमी है, इतने कितने झूठ मारे बोले हैं, तू कौन है भैया? इसीलिए तो सभी चैनल पे बनकर चला आता है मिश्रा जी, आपको सभी चैनल से निकाल दिया। अरे कौन भैया? मेरे को लगता है कहीं ना कहीं मिश्रा जी, कहीं ना कहीं मिश्रा जी पर्सनल पर्सनल टिप्पणी पर्सनल कमेंट बोलने नहीं देता, कोई तथ्य की बात कर मिश्रा जी, पर्सनल कमेंट के लिए ये डिबेट नहीं हो रही, कुछ है भी नहीं था पर्सनल कमेंट के लिए मिश्रा जी, ये डिबेट नहीं हो रही। हम पगड़ी है, सिक्की का सबसे बड़ा मान पगड़ी है, पगड़ी उतार के चलाता है। जिस आदमी ने अपनी पगड़ी उतार दी वो बहस क्या करेगा भैया? आप अपना अपना देखो, आप कितने बड़े पंजाब मुल्क के कितने बढ़िया जगह के आदमी हो, आपको पगड़ी का मान ही नहीं रखना आता, आप बहन बेटियों की इज्जत उछालने चले आते हो, आपको कुछ समझ ही नहीं है बोलना क्या है, आप बेटियों की इज्जत तार तार कर रहे हो, आपको कोई सबूत नहीं पता, कोई चीज नहीं पता, आप अफवाहों का बाजार गर्म कर रहे हो, कुछ तो शरण करो गोरा, कुछ तो शरण करो, कितनी
चलिए हमारे साथ मौजूद है मरीना भी। इशारों में क्यों बात कर रही है मरीना जी, आप स्पष्ट बात करें ना। आपसे हरकीरत जी ने सवाल पूछा, आप सवाल का जवाब दें। बोलने दीजिए इशारे में क्यों बोल रही है। संदीप जी उनको बात रखने दीजिए अपनी। आप मरीना जी अपनी बात रखिए। अच्छी बात है जी, आपका स्वागत है, आप जा सकती हैं। आप मरीना जी अपनी बात रखिए। अरे आप ना एक इतनी सी बात को ना लेके, वो आपके पुराने वो बाबा भी यही हरकतें करता था, आप भी वही हरकतें करते। आप मुझ पे भी आरोप लगा रही है क्या? मैंने आपसे छेड़छाड़ कर दी, मैंने आपसे छेड़छाड़ कर दी क्या? यही आरोप लगा रही है क्या? इतनी दूर से भी छेड़छाड़ हो सकता है? एक मिनट बोलने दीजिए। मरीना जी क्या कर रहे हो आप? क्या हिंदुस्तान का मजाक बना रहे हो? बहन उनको बोलने दीजिए। संदीप मजाक बना रहे हो आप इसका? इस मुल्क को लोग आपके नाम से नहीं, बहन बेटियों की इज्जत से जानते हैं। किस तरह का आप नाटक कर रही है? आप किसी चैनल पर बैठी, चैनल की गरिमा समझो, चैनल के अनुसार बात करो। आपसे सवाल पूछा जा रहा है, सवाल का जवाब दो आप। अरे क्या सवाल का जवाब दो, अपना पहले मुंह तो बंद कीजिए अपना। आपको बोलना आ नहीं रहा, आप बोलिए ना। आप मुझे महान बोल रही है, बहुत अच्छा बोल रही है, मैं क्या बोलूं आपको? सबसे बड़ा बेवकूफ इंसान है इस दुनिया के, जो इतने भरम में जीते हैं आप। कैसे इंसान है, आपको शर्म नहीं आती? आपने अभी थूक के चाटा है अपना, अभी महान बोल रही थी, अभी बेवकूफ बोल रही है। एक बार डिसाइड करो, थूक के चाटना है आपको? आप अपना डिसाइड कर लो, आपका लेवल क्या है, किस तरह की बात करेंगे आप? अभी आपने पूरे हिंदुस्तान का महान बोला है, अभी थूक के चाट लिया आप अपना स्टेटस देखो कि हिंदी क्या बोल रही हो आप? एक मिनट बात सुन लीजिए, कुछ कहना चाह रही है, कुछ कहना चाह रही है क्या? आप क्या कहना चाह रही है मरीना? क्या क्या कहना चाह रही है बोलिए, आप बोलिए बोलिए। क्या 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 कह रही है बताइए। जवाब दे दूं, और नेहा जी के बहाने में पूरे हिंदुस्तान को जवाब दे दूं कि देश का न्यायालय सर्वोच्च है, न्यायालय की कोई अवमानना करने की कोशिश भी नहीं कर सकता, हिमाकत भी नहीं कर सकता। लेकिन ट्रायल कोर्ट का जो फैसला होता है वो हमेशा इस बात की तहत हमें अधिकार भी देता है कि आप अपनी अपील अगले न्यायालय तक करें, और यही हमारे वकीलों ने कहा है। हरकीरत जी एक और बात बता दूं आपको कि पहला ये ऐसा मुकदमा होगा शायद इतिहास में जिसमें एफआईआर भी पीड़ितों ने नहीं दर्ज कराई है। जो पीड़िता है उनका कोई मेडिकल टेस्ट नहीं हुआ, कोई नार्को, कोई लाई डिटेक्टर कुछ नहीं हुआ है। दूसरी बात, 2003 में और 2005 में सीबीआई ने जो बयान लिए थे उसमें उन्होंने स्वीकार किया कि उनके साथ कोई बलात्कार नहीं हुआ, कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ। फिर 2005 में सीबीआई ने यह बयान दर्ज किया है, तब से उन लड़कियों को सीबीआई ने अपने अंडर में रख रखा, किसी से मिलने नहीं दिया, और ये कॉपी जो बयान की है वो भी हमारे वकीलों को नहीं दी है। ये भी कितना बड़ा गलत कर रखा है। हमारे वकील एस के गर्ग नरवाना साहब ने बहुत स्पष्टता से कहा है कि ऐसा मामला है जिस पे ये सजा बनती नहीं, और यही वजह है कि उच्च न्यायालय ने मानी नहीं। उच्च न्यायालय ने सीबीआई को नोटिस दिया है, और सीबीआई जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुकी है कि ये सरकार का तोता है, जैसे उम्र में बड़े हो सकते हैं, मैं इनका अदब करता हूं और मैं इनको झूठ की एक मशीन कहता हूं। इन्हें यह भी पता है कि मैंने जैकेट कहां से पहनी, इन्हें यह भी पता है मैंने जूता कहां से पहना, इन्हें यह भी पता है मेरे नाई कौन सा, मेरे बाल कौन काटता है। ये सारी जितनी भी दुनिया भर में घटनाएं होती सब गोरा को पता है। ये गोरा कोई इंसान है क्या है भैया? ये सारी मैं वहां से बैठा बैठा है मेरी जैकेट बता रहा हूं। इस आदमी का ये सोचो इसका लेवल क्या है। फिर आप दूसरी बात मुझे जवाब दीजिए, आपका जवाब देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल गोरा जी सिर्फ आरोप की एक दुकान है, ये चले हुए कारतूस फटे हुए बम है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि विपासना पुलिस को सहयोग नहीं दे रही, जांच में सहयोग करेंगी कि नहीं, इस बात का मुझे उत्तर दीजिए। भैया जितने दिन से हुआ देखिए, बहन जी हमारी हनीप्रीत जी पहले दिल्ली उच्च न्यायालय में उन्होंने अपील लगाई, न्यायालय के शरण में आई, न्यायालय का सामना किया, फिर माननीय उच्च न्यायालय पंजाब चंडीगढ़ गई। विपासना जी को जितनी बार सिरसा की पुलिस बुला रही है, जहां आ रही है, अब किसी व्यक्ति का पिछले एक महीने से कोई स्वास्थ्य भी खराब हो गया? मेरे पास समझ आता नहीं है। नेहा क्या कहना चाहेंगी? गौरा जी आप पगड़ी लगा के आया करो, अच्छा लगता है। नेहा क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूंगी कि देश की महिलाएं अगर एक हो गई है, अगर एक हो गई सारी देश की महिलाएं, तो ये राम रहीम जैसे बाबा एक नहीं बचेंगे। ठीक है ठीक है, मैं आज 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 जज बन जाओ, आप यहाँ सूली चढ़ा दो बिना आरोप तय हुए। हाँ फिर क्या भविष्यवाणी करो, कैसे नहीं बचेंगे? क्या बोल रही है, कैसे नहीं बचेंगे? आप अपना जज न्यायालय बंद करो सारे, आपको तो 10 लोग नहीं जानते, वहाँ 5 करोड़ लोग हैं, आपको 10 लोग नहीं जानते, वहाँ पे 5 करोड़ 6 करोड़ लोग हैं, आपको अपनी गली के 5 लोग नहीं जानते। आप सवाल उठा रही है, आपको अपने गली के 5 लोग
व्यक्ति के 6 करोड़ 2 करोड़ बहने। नेहा जी आप वो बातें करो जो आपको शूट करे, 6-6 2 करोड़ बहने होंगे हमारी, और आप समझिए आपसे ज्यादा पढ़ी लिखी आपसे ज्यादा लायक जो भी मत बोलो इस चैनल पे काम करना चाहते हो। चलिए मेरे पास समय ज्यादा नहीं है, मेरे पास समय ज्यादा नहीं है, तो आज 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 के इस मसले पर हमने लगातार बात करी कि हनीप्रीत कल कोर्ट में पेश होने जा रही हैं। सतनाम जी ठीक है गौरव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी झूठ की दुकान बंद हो चुकी है, आपकी झूठ बिल्कुल नहीं सुनता, अपनी झूठ की दुकान। संदीप जी मेरे पास समय नहीं है, वरना रोज ही आपको ऐसे मुंह की खानी पड़ेगी। गौरव जी पगड़ी पहन के आया करो, अच्छे लगते हो, पगड़ी का मान रखो। भूपिंदर जी एक मिनट दीजिए, एक मिनट दीजिए। जूही जी ने एक बात कही थी कि चाहे राम रहीम जी हो या आसाराम जी हो, बाबा के नाम को उन लोगों ने बदनाम कर दिया। जूही जी ये बता दीजिए आसाराम जी पे कौन कौन सी धाराएं लगी हैं, कौन कौन से आरोप लगे हैं, बताइए आप। इतनी धाराओं के बारे में तो खैर हम इतना डिटेल में नहीं जानते हैं। बदनाम हुए फिर कोई धारा तो होगी ना, जेल में ही तो बैठे हैं, कहां क्यों बाहर क्यों नहीं निकल रहे हैं? अगर धारा नहीं लगी है तो वो जेल में क्यों? अरे मेरे को बता दीजिए, आप चैनल पे आई हैं, कुछ तैयारी करके आई होंगी। आप ये तो बताओ कि वो अभी धारा क्या क्या लगी है? हम धारा की बात छोड़ो, चलिए धारा छोड़ दो, धारा छोड़ बताओ, धारा की बात अपने यहाँ कर रही क्यों है भैया? धारा आप मुझे बताओ जेल से वो बाहर क्यों नहीं आज? आप बताओ ना उनका आरोप क्या क्या लगे। जूही जी किस वजह से, जूही जी किस वजह से आसाराम के नाम पे आपको शर्म आ रही, उनपे आरोप क्या लगे ये बताओ आप। कमाल है आपका, आप बताइए मुझे, ये बताओ कि वो बाहर क्यों नहीं आया? आप बताइए ना, आपको नहीं पता, आप इस बात का जवाब दो, आप मुझे बता दो आरोप क्या लगे। जूही जी मैं आपको मान जाऊंगा, आरोप के बारे में बात करने आए, आप बताओ ना किस लिए शर्म आती है आपको? आपको पता है आसाराम जी के नाम पे किसने शर्म आ रही है? उनसे बनाया आपके राम रहीम ने, आप बताओ 500 लोगों को आसाराम जी पर क्या आरोप लगे आप ये बताइए। आप मुझे ये बताओ आपको शर्म आ रही थी आसाराम जी के नाम पे? आपको नहीं पता ना, सब पता है। आप चले आए आप यहाँ पे आरोप लगाने, आप बताइए आसाराम जी पर क्या आरोप लगे, बताइए आसाराम जी पे क्या आरोप लगे? अरे ये क्या सवाल हुआ आपका? आपको नहीं पता, आपको नहीं पता, आधा हिंदुस्तान ऐसे ही घूम रहा है जूही जी आपकी तरह, जिन्हें ये नहीं पता कि आरोप क्या लगे। आपको नहीं पता, मुझे लगता है हरकिरण जी MHON चैनल ऐसे क्यों बुला रहे लोगों को, ऐसे गेस्ट को जिन्हें यही नहीं पता आरोप क्या लगे, बोलना क्या है, क्यों शर्म आ रही है आपको आसाराम जी पे? बहन जी आप बताओ किसने शर्म आ रही है आसाराम जी के ऊपर? बोल ले तो शर्म की क्या बात है? आप बताओ ना किसने शर्म आ रही है आपको? अरे कमाल है, शर्म क्यों आएगी आसाराम की? शर्म आपने बोला ना आसाराम जी के ऊपर शर्म आ रही है? आप बताओ कि वो अंदर जेल में क्यों बैठे हैं? आप बताइए, आपको नहीं पता ना? आप मुझे बताओ, आप हिंदुस्तान को बताओ आपने आरोप लगाया, आपको नहीं पता ना? कुकर्म किए हैं क्या? कुकर्म किए बताओ। हम यहाँ बात नहीं बोल देंगे, कोई कुछ भी बोल देगा, चैनल चलाएगा, चैनल इतना मजबूर नहीं, 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 हम यहाँ बात ये करना चाह रहे थे, उनकी उनकी प्रतिक्रिया जानना चाह रहे थे, कोई आरोप लगा जूही 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 और महक से ये जानना चाह रहे थे उनको यहाँ ये बताया क्या क्या आरोप है। कोर्ट में प्रूफ हो गया क्या? फैसला देने आई है कोर्ट ने, जजमेंट दे दिया क्या? आप जज है क्या जूही जी? आप कैसे बता रही है कि 500 लोग ये जजमेंट आया क्या? हाई कोर्ट ने इस पर फैसला दे दिया क्या? आप जज है क्या? फैसला सुनाने आई है क्या? अगर वो आप ये कोर्ट में है नहीं, आप कोर्ट का उल्लंघन कर रही है, अवमानना कर रही है। चलिए आपने कोर्ट की अवमानना की है, जनता कोर्ट है, आप कैसे कह सकते हैं जिस बात पे जजमेंट दिया? आपको धारा नहीं पता, आरोप नहीं पता, धारा जानने क्या करना है? आपको कुछ नहीं पता, धारा क्यों जानने? आपको गेस्ट बुला लिया इन्होंने, इनका एहसान मानिए और उतने ही बोलिए जितना आपको जानकारी हो बहन जी। ये जानकारी तो है, बाबा राम के बारे में जानकारी है। आप इस स्टूडियो से बाहर जाइए, आप पर चलिए 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 एक मिनट जान लेते हैं, चले जान लेती है, आसाराम के भगत आप पर मुकदमा करेंगे। संदीप जी एक मिनट, आसाराम के भगत आप पर इतने मुकदमे करेंगे, आपको तारीखें भुगतनी भारी पड़ जाएंगी। आप इतने बड़े संत पर आरोप लगा रही, किस बात पर शर्म आ रही है? खट्टा जी आप बता रहे थे, एक तो सबसे पहले आपको शाह सतनाम महाराज जी का जन्म माह मुबारक हो, आपको उन्होंने बड़ा प्यार किया है, नवाजा है, एक बार आप भी नारा लगा दें और आपकी जुबा पवित्र हो जाएगी। अब सच मानना, सच बोलना कि जिस वक्त आप डेरे में गए थे सीबीआई के साथ, उस वक्त आप नशे में अफीम खा के गए थे या ऐसे ही चले गए थे? व्यक्तिगत थोड़ा अगर नहीं, उनकी भांजी ने आरोप लगाया है, उस वक्त आप नशे में गए थे या होशो हवास में गए थे? ये इन सवालों का जवाब भी कभी आप दोगे या आप डेरे के खिलाफ आ जाओगे?
इनकी भांजी ने इनके घर से सवाल उठाया साहब। अरे तुम, अरे अरे मेरे को तू ये बता, मेरे सामने ये तेरे गुरु ने मेरे सामने छत्रपति की साजिश रची। ये भांजी ने आपकी बताया कि वो आपने मरवाया है। आपकी भांजी सुमेंदर ने बताया कि आपने मरवाया है। सुमेंदर का जवाब पूछ रहा है खट्टा खट्टा, तीन बार आपने माफी मांगी है, तीन बार आपने अपने बयान हिंदुस्तान सच बोलोगे खट्टा? ये बताओ ये खट्टा सच कब बोलेगा? पूरा हिंदुस्तान जानना चाहता है ये खट्टा किसका साथ में चल रहा है, ये खट्टा क्यों जा रहा बीजेपी के पैसों के, ये माया का यार खट्टा क्यों है, ये अफीम खा के खट्टा बयान क्यों बदलता है, अपनी भांजी के सवालों के जवाब दे खट्टा। संदीप मिश्रा जवाब दे लेंगे, खट्टा सिंह जी जवाब दीजिए। मैं इनसे ये पूछता हूँ, ये गुरु गुरु कर रहे हैं भी जब छत्रपति मारा वो मेरे सामने सारी साजिश रची, और जीत सिंह को जब मारा मेरे सामने साजिश रची, और कितने और मर्डर किए वो मेरे सामने हुए, ये आप गुरु गुरु कर रहे हैं, ये मेरे को जवाब दे भी, ये मारे या कि नहीं मारे? आप बताइए, आपकी भांजी ने पूछा है कि आपने छत्रपति की साजिश की है, छत्रपति के हत्यारे आप हैं, आपके घर से आवाज आ रही है, आप पैसों के खातिर आपने छत्रपति एक बड़े पत्रकार की हत्या की है, अपनी भांजी का जवाब दो खट्टा। कितनी बार झूठ बदल के अल्टी पल्टी हो गए खट्टा, या पूरा देश जान चुका है, आपका नकाब उतर चुका है, आपके घर से ही आपकी बहन बेटी आवाज निकालने लगी है, आप पर आरोप आपकी भांजी ने लगाया है, आज भी आपकी बहन द्रौपदी डेरा सच्चा सौदा में है, आप 2005 में भाग गए थे डेरा छोड़कर, 2017 तक आपकी भांजी रही है, उसने डेरा के दर को पाक पवित्र साफ सुथरा बताया, और आप पैसे के यार पैसे के चक्कर में डेरे में दो बार आए, दो बार घुस के माफी मांगी, फिर बयान बदल रहे हो, सच कौन है, आप सच हो या आपकी भांजी सच है? ये हिंदुस्तान को बता दो खट्टा, ये हिंदुस्तान आपको ललकार रहा है। अरे मेरे को ये सबूत करो भी, एक किसी से एक पैसा लिया बताओ, आपकी भांजी को बताओ, ये आपकी भांजी आपके घर के दीवारों से आ रही है चीख चीख के कि खट्टा बिकता है, खट्टा झूठ बोलता है, ये भांजी ने आरोप लगाया। हम आप मुद्दे पर बात कर सकते हैं, आप मुद्दों पर बात कर सकते हैं, पर व्यक्तिगत आक्षेप नहीं, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में व्यक्तिगत पीसी करके साहब, मैं व्यक्तिगत नहीं लगा रहा हूँ, मैं इनसे जवाब मांग रहा हूँ। खट्टा सिंह जी जवाब दीजिए, जवाहर यादव जी हाथ उठा रहे हैं, मैं उनके पास चलूंगा, खट्टा सिंह जी जवाब दे दीजिए, ये सवाल एक बार में ही खत्म हो जाना चाहिए। मैं बात ही नहीं करना चाहता इससे, इस बंदे से मैं बात ही नहीं करना चाहता, ये सब से खुदा के बंदे से बात करोगे खट्टा? अगर मुझसे आंख नहीं मिला सकते तो छह करोड़ मिलाओगे? ये झूठ संदीप आवाज दो, अपनी बहन की सच्चाई को बताओ, द्रौपदी जी की बात को बताओ, अपने जीजा गुरमेल जी की बात बताओ, जो आज भी मेरे गुरु के चरणों को चूम रहे, ऐसा क्या हो गया जो आप बार बार पलटी मारते हो, कभी डमरू इधर बजाते हो, कभी डमरू उधर बजाते हो, हिंदुस्तान को बताओ कि खट्टा अल्टी पल्टी बात क्यों है? कितनी बढ़िया बात खट्टा जी ने कही कि चार चार साजिशों में ये सामने थे, साजिश मतलब खुले आम हो रही थी, कोई भी आए कोई भी जाए, और खुले मन से साजिश हो रही थी। एक बात अगर आप खट्टा जी एक बात में कह दूं, ये तीन जनों की जान बचा सकते थे। डेरा में जो हो रहा था खुलेआम हो रहा था, हर आदमी जानता था, सब लोग जानते थे, और कई बार आरोप भी लगे जिसपे उन्होंने सफाई भी दी, क्या क्या हुआ है डेरे के अंदर, संदीप जी आप भी जानते मेरे को हैं, पूरी बात कर लेना, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ये आरोप कब लगे हैं मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं। खट्टा जी पहली साजिश पर पुलिस के पास आ जाते तो तीन मासूमों की जान बचाई जा सकती थी, क्या आप पर इन चार लोगों की हत्या में शामिल होने का मुकदमा दर्ज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप साजिश में वहाँ मौजूद थे, आपने कानून की मदद नहीं की? अरे भाई तो आपको भी एक हत्यारा माना जाना चाहिए या नहीं माना चाहिए? ये तो पुलिस और सीबीआई के गवाह है, आपको नहीं पता, लेकिन तब तो नहीं थे हत्या में, तो ये मुझे पता है, लेकिन तब तो ये जान बचा सकते थे दीपक जी, इनके सामने चार लोगों को मारने की साजिश हो रही है और इन चार लोगों को मरता देख रहे हैं, ये कैसे इंसान है, कैसे इंसानियत? इन्होंने क्या कहा संदीप मिश्रा जी, अगर मैं कुछ उस वक्त कहता, मैं भाग के बाहर आया हूँ, उस वक्त अगर कुछ कहता तो मुझे भी खत्म कर, इनके भांजी इनकी बहन इनके जीजा आज भी डेरे में, उनको किसी ने उंगली क्यों नहीं उठाई? इनकी माँ आती रही, इनके पिताजी आते रहे, उनको उंगली क्यों नहीं उठाई? ये खट्टा की जान इतनी कीमती क्यों थी?
जब इनके बहन जिंदा है, इनके भांजे मिश्रा जी, सर ये कैसे आरोप है? संदीप मिश्रा जी, आप इतने बढ़िया क्राइम रिपोर्टर हैं, मुझे ये बताइए कि अगर जो सरकारी गवाह बना हुआ है, जो सीबीआई की तरफ से गवाह है, जो एविडेंस है, अगर उसके घर में किसी की जान चली जाती है तो बहुत बड़ा हायतोबा मच जाती। आप जानते हैं इस बात को? नहीं जानते हैं? और तो इसीलिए जो है कि आपके आपके लोगों ने, जैसे विपाशना है, जैसे हनीप्रीत उर्फ प्रियंका तनेजा है, जैसे संदीप मिश्रा है, आप तो नए नए हैं, कई 20-25 साल वाले भी हैं जो पुराने डेरा के अनुयायी है, आप नए नए हैं, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर आप किसी गवाह के घर वालों को मार देते संदीप मिश्रा जी तो क्या होता? हमने तो किसी को नहीं मारा जी, गवाह के घर वालों की तो बात दूर, वही तो बता रहा हूं मैं कि इनके बहन, इनकी जीजा, इनकी भांजी डेरे में सुरक्षित है, और ये झूठे ही चिल्ला रहे हैं कि इनकी जान को खतरा है। डेरा सच्चा सौदा में कभी कोई साजिश नहीं की, कोई षड्यंत्र नहीं किया, किसी को जान से मारने की कोशिश नहीं की।